हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। वेल, 6 जून को हमारा व्यापम का सब इंजीनियर का पेपर आने वाला है ना, और सबकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशंस चल रही हैं। आप सभी ने काफ़ी अच्छे से कमेंट भी किया और मुझे बताया कि कितनी अच्छी प्रिपरेशंस चल रही हैं। हमने डिस्कस किया कि हमारे इंग्लिश में क्या सिलेबस है ना, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। नाउ एज वी ऑल नो कि ये कुछ डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है, एवरीथिंग अंडर द सन कैन कम, बट हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और लास्ट 5 से 10 साल के पेपर्स के एनालिसिस के बाद हमको पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसको करके हम 90% तक एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, है ना। तो हमने डिस्कस किया कि हमारा इंग्लिश का क्या सिलेबस है, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारा रीजनिंग का क्या सिलेबस है। नाउ कम्स द मैथमेटिक्स, यस, जिससे सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता है, किसी को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, पर जो मार्क्स जिससे हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर होता है, जिससे हमारी रैंक आती है, ठीक है, मैथमेटिक्स ना यार, मेरा तो पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। और पर्सनल फेवरेट के बाद ना मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है प्लस हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या हैं। नाउ एज आई से, हमको क्या करना है, हमको लास्ट 5 से 10 साल के जो पेपर है उनको एनालाइज करना है और फिर देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे सी, हमारा एक क्वेश्चन होगा जो नंबर सिस्टम से आएगा, एक क्वेश्चन होगा जो पक्का नंबर सिस्टम से आएगा, ठीक है, जिसमें पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन दे करके सिंपली। वो हो सकता है कि नेचुरल नंबर से हो या होल नंबर से हो या कोई भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, और सिंपल नंबर सीरीज पे जो हमारा क्वेश्चन होता है वो आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, सी हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आना ही आना है। इतने टाइम में इतने मैन ने इतना काम किया तो इतने टाइम में कितने मैन वही काम करेंगे, है ना। सपोज़ ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 10 मैन ने एक काम किया है सपोज़ 2 घंटे में, तो पांच मैन उसी काम को कितने टाइम में कर लेंगे, है ना। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। इसमें अभी अगर हम रीसेंट ट्रेंड को एनालाइज करें तो पिछले 2-3 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है जिस पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। सी, प्रॉफिट और लॉस में हमको पता है कॉस्ट प्राइस, हमको पता है सेलिंग प्राइस, अब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब क्या, एक तो होगी कॉस्ट प्राइस कि मुझे ये चीज़ 10 रुपये की मिली, मुझे ये पानी की बॉटल, मुझे ये मार्कर सपोज 10 रुपये का मिला, पर मैंने इसमें मार्क प्राइस कर दिया, मार्क प्राइस क्या करके मैंने इसको 20 रुपये का कर दिया, 20 रुपये का मैंने इसको मार्क कर दिया, फिर मैंने इसमें 5% का डिस्काउंट दिया और इसको 15 रुपये का बेचा, अब मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स में ज़्यादा आ रहे हैं। पहले सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि हमारी कॉस्ट प्राइस ये है तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमारी सेलिंग प्राइस ये है तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब 2-3 साल से मार्क प्राइस, माइंड यू मार्क प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है हमें, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। देयर आफ्टर कम्स टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इसी एक फॉर्मूले से ना सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर वो घुमाते कैसे हैं हमको, वो घुमाते हमको ऐसे हैं कि वो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने इतने टाइम पे, देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा कि हमने इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, अभी मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैंने इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर कर दिया तो मेरी स्पीड क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी वो पूछ लेंगे कि अगर मैंने इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर किया और मेरी स्पीड एक्स थी और फिर सेम डिस्टेंस मैंने वाई स्पीड से कवर किया तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना, ऐसे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन आ जाएंगे सर्कुलर ट्रैक के। नाउ सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, फंसने का कुछ नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट करना, दो लोग हैं सपोज एक्स एंड वाई, दोनों ने ए पॉइंट से रन करना शुरू किया और दोनों ने सर्कल के राउंड लगाए, तो अब कितने टाइम में वो जो राउंड है वो कवर हो जाएगा और ए और बी कब एक दूसरे से मिलेंगे, कब इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस से आ जाते हैं। अब हमने देखा कि टाइम एंड डिस्टेंस से एक या दो क्वेश्चन आना ही है, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज। सी, बिना परसेंटेज के टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है, तो हमें सबसे पहले समझना होता है परसेंटेज।
हमें एक परसेंट दिया हुआ है ना, बचपन से निकालते हैं या परसेंटेज, कितना परसेंट पासिंग मार्क्स है, कितने परसेंट फेलिंग मार्क्स है, फलाना ढिमकाना। तो हमको परसेंटेज के जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं। टी डी एस कहाँ होता है? जब हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मिक्स हो जाता है ना। तो वैसे तो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज पढ़ाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं, ताकि आपको एक लिंक बन जाए। ऑल्सो मुझे ऑफलाइन कोर्स से याद आया कि हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारे ऐप पे, नेविगेट प्राइम पे। तो सभी अभी रुक जाओ, वीडियो पॉज करो, अभी पॉज करो और जाओ नेविगेट प्राइम का ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। वहाँ पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो इफ़ यू थिंक कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस है और मैम हमें ऑनलाइन भी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ये सारा कुछ आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हैं तो सारी कुछ डिटेल्स, सारी इंस्ट्रक्शंस विद नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो सीधा कॉल कर देना, ठीक है। और सबसे पहले वीडियो पॉज करो, जाओ नेविगेट प्राइम के ऐप को डाउनलोड करो, फिर हम वापस से सिलेबस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने देख लिया क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? सिंप्लीफिकेशन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक बड़ी सी इक्वेशन दे देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दे देंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है जो हमने बचपन में पढ़ा था, RHS LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। बचपन में जो हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे, एक आधा क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, पर मोस्टली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। फिर होता है डाटा सफिशियंसी एंड देन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम ऑन एज। आप प्रॉब्लम ऑन एज में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सपोज कीजिए कि राम एंड हिज फादर, अभी राम की प्रेजेंट में राम की एज है एक्स एंड फादर की एज है वाई। तो आज से 5 साल पहले राम की एज सपोज गिवन है 40 एंड राम के फादर की सपोज गिवन है 80। फिर आज से ये हो गया है हमारा 5 साल पहले, और फिर बोल दिया कि 10 साल के बाद ये एज है, तो अभी की क्या एज होगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। या फिर अभी अगर राम की एज है 10 ईयर्स और उसके फादर की एज है डबल ऑफ राम एज, है ना। वैसे बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, पर हाँ, जस्ट द नंबर्स ऑफ इट। ऐसे एज पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक्स की एज ये है, वाई की एज क्या है, तो एज क्या होगी, है ना। ऐड माइनस करके बड़े इजीली हमारे एज के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस ना मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सिंपल दोनों साइड के रेशियो को बैलेंस करके आपके आंसर्स आ जाते हैं, सबसे जल्दी क्वेश्चंस आते हैं। सी, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। अब हमारी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है? हमारी स्पीड कितनी है। क्योंकि जितने जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, पेपर टाइम बाउंड है ना यार, है ना, पूरा दिन तो है नहीं। तो देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन हैं जो सबसे जल्दी होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस से रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो। उसके बाद आता है HCF एंड LCM। इसके भी क्वेश्चन अपने बहुत जल्दी हो जाते हैं विद फ्यू ट्रिक्स, इफ़ यू टेंड टू सॉल्व इट द वे हम CBSE में करते थे स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग के कोई मार्क्स नहीं है, तो विद फ्यू ट्रिक्स हम सीधे सीधे आंसर पे आ सकते हैं। उसके बाद आता है एवरेज। सी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे, जब हमने स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस किए थे, तभी भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एवरेज पे आ जाते हैं, है ना। कि हमने एक्स किलोमीटर, एक्स डिस्टेंस हमने इतने किलोमीटर पर आर से ट्रेवल किया, फिर हमने सेम डिस्टेंस वाई किलोमीटर पर आर से ट्रेवल किया, तो अभी दोनों की हमारी एवरेज स्पीड क्या थी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो एवरेज पे आ जाते हैं। देन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सी, इन दोनों टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन हमेशा ही एक्सपेक्टेड होते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100, प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कितने परसेंट का रेट चार्ज हो रहा है और कितने टाइम के लिए लगा है, और फिर उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब
सी अगर हम देखें तो लास्ट कुछ ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से. कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं पर कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं. ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट से. तो हमें पता है कि हमें ज़्यादा ध्यान किसको देना है, ठीक है. उसके बाद कौन से स्फीयर से और फिर कुछ हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं. अब नाउ दिस इज़ द पार्ट वेयर योर रीजनिंग एंड मैथ्स ओवरलैप्स. जैसे हमने रीजनिंग में पढ़ा कि एक सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सिटिंग अरेंजमेंट का ओवरलैप होता है. तो हम दोनों को इंडिविजुअली भी देखेंगे और फिर दोनों को साथ में भी देखेंगे, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें मैरिट में लेकर के आएंगे, ठीक है. नाउ दिस इज़ ऑल फॉर द सिलेबस. कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं आपको पता चल गया, किन टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपको पता चल गया. अब आपको क्या करना है, प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए और सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कंफर्ट है और कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे क्वेश्चन करते नहीं बन रहे हैं, तो आपको वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं. ऑल्सो टू हेल्प यू, एज आई सेड, हमने नेविगेट प्राइम ऐप अभी तक तो आप सबने डाउनलोड कर ही लिया होगा. तो नेविगेट प्राइम ऐप पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप क्लासेस कर सकते हैं. आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल जाएगी एंड यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन बाय डाउनलोडिंग नेविगेट ऐप. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि मैम कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इन डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल. ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड द नंबर, सो इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू जस्ट फील फ्री टू डायल डाउन दैट नंबर एंड आस्क फॉर हेल्प. That's all from my side. Thank you so much.